हाय गाइस, दिस इज़ अवर थर्ड वीडियो ऑन टॉपिक प्रेपोजिशनल लॉजिक एंड क्वांटिफायर्स। इनसे पहले मैंने दो वीडियोस अपलोड किए हैं जिनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ टुडे इन दिस वीडियो हम बात करेंगे व्हाट इज़ अ आर्गुमेंट। आर्गुमेंट बेसिकली होता क्या है, देखो सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। मान लो हमारे पास गिवन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन है, P1, P2, P3, सोन पीएन, जिन्हें हम प्रोपोजिशन भी कहते हैं। नाउ अगर इन स्टेटमेंट की हेल्प से हमें कंक्लूजन पर पहुंच सकें, इस प्रोसेस को हम कहते हैं आर्गुमेंट। बस यही है आर्गुमेंट, बाकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। एन आर्गुमेंट इज अ स्टेटमेंट विच अजर्ट्स दैट गिवन सेट ऑफ प्रोपोजिशंस P1, P2, P3, सोन पीएन टेकन टूगेदर गिव्स अनदर प्रोपोजिशन पी और सी। मतलब मोटी मोटी यही बात है, कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, उनसे हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, इस प्रोसेस को कहेंगे आर्गुमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर देखो, इफ ही वर्क्स हार्ड देन ही विल बी सक्सेसफुल, इफ ही इज सक्सेसफुल देन ही विल बी हैप्पी, देयर फॉर हार्ड वर्क लीड्स टू हैप्पीनेस। मतलब यहां पर देखो हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है P1, P2, जहां देयरफॉर आ गया वहां से कंक्लूजन स्टार्ट है। वो कहता अगर वो हार्डवर्क करेगा तो वो सक्सेसफुल होगा, अगर वो सक्सेसफुल होगा तो वो हैप्पी होगा, देयरफॉर हार्डवर्क करने से वो हैप्पी होगा, हार्डवर्क लीड्स टू हैप्पीनेस। मतलब दो स्टेटमेंट्स गिवन है उनसे हमें एक कंक्लूजन मिल रहा है, दिस इज नोन एज आर्गुमेंट। क्लियर? नाउ अब एग्जाम में वो हमसे पूछेगा जो ये आर्गुमेंट है वो वैलिड आर्गुमेंट है या नहीं, इसको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझते हैं। नाउ व्हाट इज अ वैलिड आर्गुमेंट, एन आर्गुमेंट इज वैलिड इफ P1 एंड P2 एंड P3 एंड सो ऑन PN इंप्लाइज सी इज अ टॉटोलॉजी। मतलब जो भी हमारे पास स्टेटमेंट्स गिवन है उन्हें एंड की हेल्प से ज्वाइन करो, जो कंक्लूजन गिवन है उसे इंप्लाइज के सिंबल से, और ये हमारे पास एक टोटोलॉजी आना चाहिए। मतलब वही ट्रूथ टेबल बनाएंगे और लास्ट कॉलम में सारे की सारी वैल्यूज ट्रू आनी चाहिए। सो देखो ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, वही पुरानी बात, ये स्टेटमेंट इफ एंड देन की हेल्प से कनेक्टेड है। और यहाँ पर इनबिल्ट स्टेटमेंट देखो कौन कौन सी हैं, ही वर्क्स हार्ड, ही विल बी सक्सेसफुल, ही इज सक्सेसफुल सेम, ही विल बी हैप्पी। मतलब यहाँ पर हमें तीन स्टेटमेंट्स गिवन है, फर्स्ट वन ही वर्क्स हार्ड, सेकेंड वन ही इज सक्सेसफुल। इंग्लिश पर मत जाना, मैंने पहले भी कहा था उसे हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आर इज ही इज हैप्पी। नाउ P1 इफ ही वर्क्स हार्ड, इफ को हम इम्प्लाइज के सिंबल्स कनेक्ट करेंगे, ही वर्क्स हार्ड पी He will be successful. That is Q. Second, he is successful. Q, he is happy. मतलब R. Therefore, जब therefore आ जाए तो ये लाइन लगा दो. Hard work, मतलब P leads to happiness. That is R. मतलब हमें P1, P2 और C की वैल्यू मिल गई, तो यहां पर पुट करो, हमें मिलेगा P implies Q and क्यू इम्प्लाइज आर, ये हमारे पास कंक्लूजन है, पी इम्प्लाइज आर, ये हमारे पास एक टोटोलॉजी आना चाहिए, देन इट विल बी अ वैलिड आर्गुमेंट। तो इसके लिए ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते हैं। सो नाउ हमारे पास तीन स्टेटमेंट्स हैं पी क्यू आर, देयरफॉर टोटल 2^3 8 चॉइसेस, जिन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 4 ट्रू 4 फॉल्स, देन इन चार को दो में ट्रू टू फॉल्स फॉल्स, इनको भी, देन इन दो को ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। नाउ हमने टेबल बनाना है पी इम्प्लाइज क्यू का। अब याद करो इम्प्लाइज सिंबल मतलब सारे के सारे आंसर ये सेकंड स्टेटमेंट वाले, एक्सेप्ट नेगेटिव नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, मतलब जहाँ फॉल्स फॉल्स है वहाँ ट्रू और बाकी सारे आंसर सेकंड स्टेटमेंट, That is Q वाले। Next one is Q implies R. Now सारे के सारे आंसर R वाले, except जहां false false आ रहा है वहां true।
और बाकी सारे आर वाले। नेक्स्ट वन इज पी इम्प्लाइज आर, दैट इज अब देखो फॉल्स फॉल्स एक तो यहां पर आ रहा है और एक यहां पर, तो बाकी सारे आंसर आर वाले। टी नाउ नेक्स्ट वन इज इन दोनों के एंड का टेबल, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज आर। नाउ याद करो ये सैड वाली स्माइली ये कब ट्रू होती थी, जब दोनों जगह ट्रू मिले। दैट इज इन दोनों में देखो दोनों जगह ट्रू, एक यहां पर मिल रहा है यहां पर, यहां पर और एक यहां पर, और बाकी सारी एंट्रीज आएंगी फॉल्स। नाउ द लास्ट वन, लेट्स से ये हमारे पास ए है ये बी, तो टेबल बनाना है ए इम्प्लाइज बी के लिए, मतलब दिस इम्प्लाइज दिस, इम्प्लाइज का साइन आ गया। फिर से वही बात, सारी की सारी एंट्रीज ये वाली सेकंड स्टेटमेंट वाली, एक्सेप्ट जहां फॉल्स फॉल्स आ जाए वहां पर ट्रू लिख दो। तो दो ही जगह फॉल्स फॉल्स था, बाकी सारी एंट्रीज पी इम्प्लाइज आर वाली। सो सी यहां पर फाइनल टेबल में सारी की सारी एंट्रीज ट्रू आ गई, मतलब गिवन स्टेटमेंट इज अ टॉटोलॉजी, और अगर हमें टॉटोलॉजी मिल जाए तो आर्गुमेंट क्या हो जाता है, वैलिड। सो अवर गिवन आर्गुमेंट इज वैलिड आर्गुमेंट। तो एक तो स्टेप ये हो गया। नाउ द सेकंड वन, एक शॉर्टकट भी है जिनसे हम जल्दी से चेक कर सकते हैं। सी जब जब हमारे पास ये ट्रू हो तब तब ये कंक्लूजन भी हमारे पास ट्रू आना चाहिए, देन इट विल बी अ वैलिड आर्गुमेंट। नाउ सी ये दोनों ट्रू कब कब आ रहे हैं, पी इम्प्लाइज क्यू चेक करना है, क्यू इम्प्लाइज आर, जब जब ये दोनों ट्रू होंगे तब तब कंक्लूजन ये भी हमारे पास ट्रू होना चाहिए। नाउ सी ये ट्रू मतलब इसे चेक करना है, ये दोनों ट्रू तो कंक्लूजन भी ट्रू आ रहा है, मतलब ये बात ठीक है। नेक्स्ट ये ट्रू बट ये फॉल्स, मतलब इसे चेक ही नहीं करना। नेक्स्ट ये फॉल्स ये ट्रू, यहां फॉल्स आ गया इसे भी चेक नहीं करना। नेक्स्ट ये फॉल्स ये ट्रू, इसे भी चेक नहीं करना। नेक्स्ट वन ये ट्रू एंड हमारा कंक्लूजन भी ट्रू आ रहा है, मतलब करेक्ट है। नेक्स्ट ये ट्रू ये फॉल्स, इसे चेक नहीं करना। नेक्स्ट ये ट्रू एंड कंक्लूजन भी ट्रू, ये ट्रू एंड कंक्लूजन भी ट्रू। कहने का मतलब जब जब ये दोनों एंट्रीज ट्रू आ रही हैं तब तब हमारा कंक्लूजन भी ट्रू आ रहा है, सो इट इज अ वैलिड आर्गुमेंट। हमें सिर्फ यही चेक करना होगा, कहने का मतलब ये बाद वाले टेबल हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो काम कम हो गया ना, सिंपली इस मेथड से भी हम वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। हाँ अगर बाय चांस हमारे पास ये आ जाए, जब ये ट्रू हो बट कंक्लूजन इन दैट केस फॉल्स आ जाए, देन दिस आर्गुमेंट विल बी इनवैलिड आर्गुमेंट, तब ये आर्गुमेंट वैलिड नहीं होगा। आर्गुमेंट वैलिड सिर्फ उस केस में होगा जब दोनों इनपुट ट्रू हो और कंक्लूजन भी हमारे पास ट्रू आए, सारे के सारे केस में अगर एक भी जगह कंक्लूजन फॉल्स आ गया देन आर्गुमेंट विल नॉट बी वैलिड। क्लियर? नाउ एक और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज चेक वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट इफ आई वर्क आई कांट स्टडी, आइदर आई वर्क और पास मैथमेटिक्स, आई पास मैथमेटिक्स देयर फॉर आई स्टडीज। फिर से वही बात, हमने यहां पर पी क्यू आर डिफाइन करने हैं, तो वर्क स्टडी वर्क मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स स्टडी, मतलब इस क्वेश्चन में तीन डिफरेंट वर्ड्स हैं, तो उन्हें स्टेटमेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लो। पी हो गया आई वर्क, क्यू हो गया आई स्टडी एंड आर हो गया आई पास मैथमेटिक्स। नाउ इफ आ गया तो इम्प्लाइज आई वर्क पी, आई कांट स्टडी, स्टडी को हमने लिया है क्यू, तो कांट स्टडी मतलब उसका नेगेशन, इस बात का ध्यान रखना। सेकंड आइदर आई वर्क और पास मैथमेटिक्स, और को हम कैसे कनेक्ट करते थे, दिस सिंबल से एंड का उल्टा, है ना। आइदर आई वर्क मतलब पी और पास मैथमेटिक्स दैट इज आर। थर्ड आई पास्ड मैथमेटिक्स मतलब सिंपली हमें आर गिवन है। देयरफॉर
आई स्टडीज दैट इज क्यू। मतलब इस बार हमने ट्रुथ टेबल बनाना है, पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू एंड पी ज्वाइन आर एंड आर विच इंप्लाइज कंक्लूजन दैट इज क्यू। इस बार इसके लिए हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं। नाउ फिर से तीन स्टेटमेंट्स पी क्यू आर, इस बार नेगेशन क्यू भी इन्वॉल्व है तो इसका भी बनाएंगे। देन पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू, देन पी ज्वाइन आर, देन आर जो पहले से ही है, एंड देन क्यू वो भी हमारे पास पहले से ही है। अब ट्रू टेबल तो आप इजीली बना लोगे। मेनली हमने चेक करना है जब जब ये तीनों चीज़ें ट्रू आए तो हमारे पास कंक्लूजन भी ट्रू आना चाहिए। तो एक बार पहले मैं ट्रू टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। सो हमने अपना रिक्वायर्ड ट्रूथ टेबल यहाँ ड्रॉ कर लिया है। नाउ वी हैव टू चेक जब पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू, पी ज्वाइन आर एंड आर ये तीनों ट्रू आए देन हमारा कंक्लूजन वो भी ट्रू आना चाहिए। सो लेट्स सी ये तीनों ट्रू कहाँ कहाँ आ रहे हैं। ट्रू फॉल्स, मतलब इसे चेक नहीं करना, फॉल्स इसे भी चेक नहीं करना, ट्रू ट्रू ट्रू, इस केस में तीनों के तीनों ट्रू आ रहे हैं तो हमारा कंक्लूजन भी ट्रू आना चाहिए। बट हेयर हमारा कंक्लूजन फॉल्स आ गया तो हमारा काम यहीं पर ख़त्म हो चुका है। हम यहाँ से डायरेक्टली कह देंगे जब ये तीनों ट्रू आ रहे थे देन हमारा कंक्लूजन फॉल्स आ गया, देयर फॉर इट इज़ नॉट अ वैलिड आर्गूमेंट, इट इज़ एन इनवैलिड आर्गूमेंट। देखो काम कितना आसान हो गया ना। अदरवाइज हम क्या करते, पहले ये सारा टेबल बनाते, मतलब यहाँ पर दो तीन टेबल और आते और फिर चेक करते कि वो टोटोलॉजी आ रही है या नहीं। बट यहाँ पर देखो सिंपली इन्हीं तीनों से हमारा पता लग गया कि इट इज़ अ वैलिड और नॉट, सो इट इज़ अ इनवैलिड आर्गूमेंट। क्लियर?